महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में 8 दिसंबर को किया गया, जिसके संबंध में प्रधानाध्यापिका कृष्णा चटर्जी ने बताया है कि यह वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालिका वर्ग का है। इस प्रतियोगिता में कुल 4 टीम प्रतिभाग की है, जिसमें फाइनल में MGPG कॉलेज जंगल धूसर और महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के बीच खेला गया है, जिसमें महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज विजयी हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापिका कृष्णा चटर्जी तथा वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता के संयोजक अवधेश शुक्ला ने कहा, कृष्णा चटर्जी। मैं यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ और दोनों कंपटीशन को संयोजक हूँ। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में 8 दिसंबर 2021 महाराणा प्रताप संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत वॉलीबॉल कंपटीशन हो रहा है आज यहाँ पे, साथ साथ म्यूज़िक कंपटीशन भी हो रहा है, जहाँ पे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स विभिन्न स्कूल से पार्टिसिपेट किए हैं। मैम, इस वॉलीबॉल में कितनी टीमें भाग ली? यहाँ पे आज 4 टीम आए हैं, गुरु गोरखनाथ नर्सिंग कॉलेज, महाराणा प्रताप महिला पीजी का रामदत्तपुर, महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स एंड दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज सिविल लाइन्स। अवधेश शुक्ला मेरा नाम है, मैं संयोजक हूँ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का। ये महाराणा प्रताप संस्थापक सप्ताह समारोह की वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालिका वर्ग का था। इसमें कुल 4 टीमें आई थी और 4 टीमों के बीच पहला लीग और उसके बाद नॉकआउट मुकाबले हुए और फाइनल में MP इंटर कॉलेज बालिका सिविल लाइन्स और MPPG कॉलेज जंगद हुसड़ की टीमें आई थीं, जिसमें फाइनल के मुकाबले में महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की टीम विजयी रही। उन्होंने अपने फर्स्ट सेट में 25-15 से और दूसरा सेट 25-17 से जीत लिया और इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालिकाओं का फाइनल मुकाबला MP महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर सिविल लाइन की टीम्स ने जीत लिया।